बना रहा था, तीन चार कट्ठे बना रहा था, दूसरे को मकान देना। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 का अध्ययन करेंगे। इसमें है फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के रूप में लिखना है यूजिंग द फॉलोइंग जीटीज, निम्नलिखित अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले इसमें है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ी या सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा या सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो इसमें ये चार डिजिट दिए गए हैं बच्चों, इन चारों डिजिट का हमें प्रयोग करना है। नंबर आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे 1 से आप काउंट करना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे आप जितना भी बढ़ते जाएंगे ये नंबर ग्रेटेस्ट होती जाती है, बड़े होते जाते हैं। वही आप ऊपर से जब आप नीचे आते हैं, जैसे अभी मान लीजिए एग्जांपल में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो ये होती जाती है स्मॉलेस्ट, यानी घटती जाती है। तो सबसे छोटी यानी आप चार डिजिट दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा नंबर हमको पहले लिखना है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, तो इससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर चार अंकों का बनाएंगे। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा वाला नंबर इसी में से हमको लिखना है। तो हम यहाँ देखते हैं ये 9 है, इन 4 डिजिट में जैसे 2 लिखा गया है, 9 लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है, तो इसमें 9 सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हमको बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट बनाना है, तो सबसे बड़ी को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी 4 है, उससे छोटी 2 है, उससे छोटी 1 है, हमने लिख दिया। उसके बाद ये हो गई ग्रेटेस्ट नंबर 9421। उसके बाद स्मॉलेस्ट हमें बनाना है, तो यही नंबर हम ठीक बैकवर्ड में लिखते जाएंगे, वापस 1, 2, 4, 9, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गई। एकदम आसानी समझिए बच्चों, बहुत मेहनत नहीं करना आपको। फिर यहाँ 8 है, 0 है, 3 है, 6 है, तो इसमें 8 सबसे पहले, 6 उसके बाद, 3 उसके बाद, फिर उसके बाद यहाँ 0, ठीक है, तो 8630 हो गया। उसके बाद सबसे छोटी करना है, तो 0 हम पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 हम पहले लिख देंगे अगर किसी अंक के बाएं 0 है, सबसे बाएं तरफ लास्ट में, लेफ्ट साइड में, तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हमको इधर रखना होगा। तो 3068। अब सी में देखते हैं बच्चों, 3702, तो 7 इसमें ग्रेटेस्ट नंबर, 7, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 0। अब स्मॉलेस्ट हमको करना है, तो 2037, उसके बाद 5, डी में 5927, तो 9 ग्रेटेस्ट, 7 उसके बाद, 5 उसके बाद, 2 उसके बाद, 9752। इसके बाद इसी को ठीक हम वापस इधर से लिखते हैं, 2579, ये स्मॉलेस्ट हो गया। ई में 8164, तो 8641, ये ग्रेटेस्ट हो गया, 8641। इसी को हम वापस लिखते हैं बैकवर्ड करके, वापस करके 1468, उसके बाद ये अप में आते हैं बच्चों, 2840, 8 उसके बाद 4 उसके बाद 2 उसके बाद 0, 8420। उसके बाद हम आते हैं स्मॉलेस्ट में, तो 2048,
2048, जी में 2043। तो इसमें 4 पहले, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 0। फिर ग्रेटेस्ट हो गया ये 4320, स्मॉलेस्ट 2034, इसके बाद H 6208, इससे बनाएंगे तो 8620, स्मॉलेस्ट में 2068। ये थोड़ा आसान है, बशर्ते फिर भी इसमें ध्यान देना है, क्योंकि आप थोड़ी भी मिस्टेक करते हैं इधर उधर तो इसमें गलती होने का अवसर रहता है, क्योंकि ये जो जीरो वाला ऑप्शन है ये थोड़ा मिस्टेक करा सकता है स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में या ग्रेटेस्ट में। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, और आसानी से इसको मैंने पूरी तरह से आप लोगों के लिए सॉल्व किया, आप लोगों ने इसको ध्यान से अध्ययन किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से अगले लाइव क्लास में उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।